हमारे बटन टूट गए। हमारी बटन टूट गए और हमारी बस भी नहीं आ रही है। इतनी देर से वेट कर रहा है, बस ही नहीं आ रही है। कोई है नहीं आसपास। मैम ने मेरे को होमवर्क दिया था, तो ये होमवर्क मैंने तो कर लिया। ये मैंने LCM HCF दिया था, वो कर लिया है मैंने। और मैं मुझे तो ठीक लग रहा है, शायद गलत भी हो जाए, पता नहीं, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है। और मैं बस का वेट कर रहा हूँ, बस ही नहीं आ रही। देखते लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। सब तो वेट कर रहे होंगे मेरा। सब तो मैंने कर लिया है, लेकिन गलत भी हो सकता है। गलत हो जाएगा तो मैम डांटेंगी मुझे। लेकिन अगर मैं स्कूल ही नहीं पहुंच पाया तो मेरी बटन भी टूट गई है शर्ट की। मैम पक्का डांटेंगी। मेरी शर्ट की बटन भी टूट गई है और मुझे बटन लगानी भी नहीं आती। मैं जाके आया से कहूँगा तो वो बटन लगा देंगी। ये सब मैंने कर तो लिया है, लेकिन गलत भी हो सकता है। कल की बात है, मैंने ये सब किया था, ठीक है। और एक आदमी मुझे मिला और मैंने उससे पूछा तो था कि भाई कि चीटी है। ए चीटी, ए तुम मेरी बात सुन सकती हो ना? ए कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात भी सुन रही है साली। एटीट्यूड दिखाती है मुझको। मेरा सम सही हो सकता है, ठीक है? मेरे मुंह मत लगना, समझी? देख क्या रही हो? देख घूर रही हो मुझे। सारी तेरी औकात। साली मेरे को एटीट्यूड दिखाती है साली। ऐसी दूसरी वाली एक गाली होती है क्या? दूसरी वाला सुना था मैंने। दूसरी वाला वो कह रहा था, वो हर्षित कह रहा था, दूसरी अबे चुप तू साला, दूसरी वाला। तो मैंने भी उसे कहा था, दूसरी वाला तू मुझसे बड़ा दूसरी वाला। और तो दूसरी वाला सुना है, और दूसरी वाली हाँ हो सकता है, दूसरी वाली भी हो सकता है। स्त्रीलिंग हो सकता है, वाला वाली। लेकिन सुना तो नहीं कभी मैंने दूसरी वाली। अब समझ गया, समझ गया। लड़कियों को तो कोई गाली देता नहीं ना, तो इसलिए सुना नहीं मैंने। और लेकिन भोसड़ी वाला तो भोसड़ी वाली भी हो सकता है। पुलिंग का स्त्रीलिंग, ये मैम ने मुझे पढ़ाया था। ये कौन सी मैम थी? आराधना मैम थी शायद। हाँ, आराधना मैम ने पढ़ाया था मुझे स्त्रीलिंग पुलिंग। ये सब मैंने कर लिया, लेकिन गलत भी हो सकता है। और गलत हो जाएगा तो नहीं, गलत थोड़ी ना होगा, मुझे तो सही लग रहा है। कल मैंने पूछा था उस आदमी से, वो इधर आ रहा था, मैंने पूछा था कि ये सही है गलत है, वो तो डर के भाग गया। फिर पता नहीं क्यों डर के भाग गया है। एक सवाल पूछता हूँ और जवाब नहीं देते हैं साले, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। मादर चोर। हाँ, गाली होती है। कौन? हर्षित ही कह रहा था, तू मादर चोर है। तो मैंने भी कहा था तू मादर चोर है, ये भी गाली होती है। पापा चौथ हो सकता है। पापा चौथ स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो सकता है, क्योंकि लेकिन ऐसे सुना तो है नहीं, मादर चौथ पापा चौथ, लेकिन ऐसा हो सकता है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो सकता है, भूसड़ी वाला भूसड़ी वाली हो सकता है, तो मादर चौथ पापा चौथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो सकता है, सुना तो है नहीं, हो सकता है। माँ की गाली है, बाप की गाली नहीं है। बाप की गाली, मेरा अगर सवाल गलत हो गया, अगर मतलब है तो सही, मैं श्योर हूँ सही। मैंने बहुत बार रिवाइज किया इसको, ये सही ही है, लेकिन अगर ये सवाल गलत हो गया तो मैम जो है, कौन सी मैम थी? मैम का नाम था आराधनी, वो तो हिंदी की मैम थी। मैथ्स की मैम कौन है यार? मैथ्स की मैम कौन है? तो दुबली पतली सी ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, पेन डालती हैं, दबाती हैं, लेकिन मुझे नहीं होता कुछ। क्या नाम, चलो जो भी नाम था, तो मैम को अगर गलत हो गया तो मैम पहले तो डांटती हैं और फिर ऐसे करके मारेंगी, ऐसे करके पेन ऐसे दबा के पेन मारेंगी। और फिर पीटीएम में अगर, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वो मादर चौथ पापा चौथ। हाँ, पीटीएम में अगर पापा मेरी चोट डालेंगे यार। चोट बहन चोट चोद हो सकता है, तो भाई चोद भी हो सकता है। बहन चोद वो कह रहा था, कौन कह रहा था? हाँ, हर्षित ही कह रहा था। बहन चोत तो भाई चोत भी हो सकता, भाई चोत क्यों नहीं होता है। पुलिंग का स्त्रीलिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग का पुलिंग क्यों नहीं होता है यार। पुलिंग का स्त्रीलिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग का पुलिंग क्यों नहीं होता है। पूछूंगा आराधना मैम से पूछूंगा। पेन खत्म हो गया। पेन खत्म हो गया। अब मैं होमवर्क कैसे लिखूंगा, मेरा पेन खत्म हो गया। बस आ रही है आवाज आई। बस आ रही है